अमेठी में राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए लगाई गई ई पॉश मशीनें बनी लोगों के लिए गले की हड्डी। नेटवर्किंग समस्या से आम जनता को राशन वितरण करने में हो रही हैं दिक्कतें। कोटेदारों ने पूर्ति निरीक्षक को सौंपा विकल्प के लिए ज्ञापन। बाराबंकी के रामसनेही घाट से प्रयागराज में हो रही महापंचायत में हिस्सा लेने भारतीय किसान यूनियन का जत्था हुआ रवाना। किसानों की समस्या को लेकर जुट रही है पंचायत। बाराबंकी में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिया विवादित बयान। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा, गरीबों का शोषण करने वाली पार्टी। साथ ही कुंभ मेले और राम मंदिर के नाम पर जनता का ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। मांगे पूरी न होने पर 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की दी चेतावनी। अयोध्या नगर निगम में टैक्सी स्टैंड पर ठेकेदारों के गुर्गों का वसूली करते हुए वीडियो हुआ वायरल। हाईवे पर जबरन की जा रही है अवैध वसूली। नगर आयुक्त से की गई शिकायत, शुरू की गई मामले की जांच। अयोध्या की रुदौली तहसील में सैतपुर में तेंदुए की दहशत। पंजे के निशान मिलने से हड़कंप। 4 दिन से वन विभाग की टीम कर रही है कॉम्बिंग। स्थानीय विधायक ने लिया मौके का जायजा। सुल्तानपुर में 26 जनवरी को लेकर शुरू हुई तैयारियां। पुलिस लाइन में परेड की तैयारी में जुटा पुलिस महकमा। अयोध्या में जिला महिला अस्पताल में चौकीदार की मिली लाश। गला दबाकर हत्या करने की आशंका। परिक्रमा मार्ग पर मिली लाश। बीकापुर के शिव शंकर यादव के रूप में हुई मृतक चौकीदार की शिनाख्त। पुलिस ने शुरू की जांच। सुल्तानपुर के मछवारा में निकाली गई समाजवादी पार्टी की पदयात्रा। सैकड़ों लोग हुए शामिल। सुल्तानपुर में पत्रकार दिनेश पांडे के ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद पत्रकार संगठन में उबाल। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे पत्रकार। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। अधिकारियों ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। अमेठी के त्रिसुंडी स्थित केंद्रीय पुलिस बल में चल रही है नव आरक्षी पासिंग आउट परेड। पुलिस महानिरीक्षक सुभाष चंद्र बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे। जवानों ने दी सलामी। रायबरेली में सदर कोतवाली में हिंदुस्तान लीवर कंपनी के गोदाम से चोरों ने 20 लाख का माल किया चोरी। पुलिस ने 12 अंतरजनपदीय चोरों को दबोचा। लूट का माल किया बरामद। भेजा गया जेल। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात के हिंडवा गांव में गन्ने के खेत में आग लगी। 60,000 का गन्ना जलकर हुआ खाक। ग्रामीणों की मदद से पाया गया आग पर काबू। सुल्तानपुर में राष्ट्रीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। एक मामले में कार्रवाई न होने से है नाराज। जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। सैकड़ों लोग रहे मौजूद। बाराबंकी के जैतपुर में पुलिस का बड़ा गुडवर्क। 200 ग्राम मार्फीन के साथ एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। पकड़ी गई मार्फीन की कीमत है 20 लाख रूपए। तस्कर को भेजा गया जेल। बाराबंकी के जैतपुर के थाना अध्यक्ष शमशेर बहादुर सिंह का हुआ तबादला। थाने में संपन्न हुआ विदाई समारोह। लोगों ने उनके कार्यों की प्रशंसा। सच्चाई वही जो हम बताएं।